जय भोजपुरी रोवा लोक से गुनी होरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और एक घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। नमस्कार भोजपुरिया, जहां ना आप सबके स्वागत बा आज के ताजा खबर में। आज की रिपोर्ट में रोवा लोग हम ही बतावे चाह रहा बानी कि कौन से भोजपुरी के नई नई फिल्म के शूटिंग स्टार्ट होके जा रहा बा और कौन से फिल्म के टीजर और ट्रेलर आवे वाला बा और साथ ही साथ का आजकल भोजपुरी जगत में हो रहा बा। आज के ताजा खबर के पहलका खबर ई बा भैया कि भोजपुरी में एगो ऐसा फिल्म बने जा रही है जो फिल्म के नाम बा शेरे ए हिंदुस्तान, जो में आप सबके हॉलीवुड टेक्निक देखे के मिली। जी हाँ, जोना फिल्म में आप सबके अड़ू और परमाणु बम के इफेक्ट के दिखावल जाये। पहलका भोजपुरी फिल्म हुई जोना में अंतर्राष्ट्रीय समस्या के दिखावल जाये। आप सबको बता दी कि फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथे साथे कई गो विदेशी कलाकार भी फिल्म में काम करे लोग। आप सबको बता दी कि फिल्म के शूटिंग 20 जून से स्टार्ट होके जा रहा बा झारखंड के बढ़िया बढ़िया लोकेशन में और साथ ही साथ नेपाल के बढ़िया बढ़िया लोकेशन में। आप सबको बता दी कि दिनेश लाल यादव के लाइफ के सबसे महंगी फिल्म माने जा रही है और ये फिल्म से भोजपुरी भाषा के स्तर उठी, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के को नया पहचान मिली। आज के ताजा खबर के दूसरका खबर ई बा भैया के सुपरस्टार गायक रितेश पांडे के गाना पियावा से पहले हमार रहलू कि गाना 90 मिलियन से ज्यादा व्यू क्रॉस कर लिया यूट्यूब पर। जी हाँ भैया, मात्र 9 महीना के अंदर 9 करोड़ से ज्यादा लोग ये गाना के देख ले बा। आप सबको बता दें कि इस साल के सबसे हिट गाना बन गिल बा और नंबर 1 पोजिशन पर अपन स्थान हासिल कर ले बा पियावा से पहले, जेकरा चलते रितेश पांडे जी आप सबके दिल से धन्यवाद कहले बाड़े। भोजपुरी के नंबर 1 गाना बन चुकल बा छलकत हमरो जवानिया, जौन की भोजपुरिया राजा फिल्म के गाना रहे जे में पवन सिंह के मधुर आवाज और प्रियंका सिंह के मधुर आवाज से गाना सजल बा और ये गाना के परफॉर्मेंस देले बड़े काजल रघुवानी जी और पवन सिंह के साथे। आप लोग बतावल चाहतानी ये गाना के लिखले रहन आजाद सिंह जी और ये गाना में म्यूजिक देले रहन मधुकर आनंद जी। तो आप लोग पूरे टीम के आप लोग बधाई दीजा नीचे कमेंट बॉक्स में छलकत हमरो जवानिया के पूरे टीम के बधाई दीजा। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे गाना डालल गिल बा, एक बार फिर से आप लोग देखी जाए गाना के 150 मिलियन क्रॉस होखला के खुशी में। और भोजपुरी फैंस क्लब के तरफ से आप सब दर्शकन के तरफ से बहुत बहुत बधाई बा छलकत हमरो जवानिया के पूरे टीम के, पवन जी के, काजल रघवानी जी के। सुपर स्टार खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष के पहलका टीजर आप सबके बीच में आवे वाला बा। जी हाँ भैया, 12 जून के शाम 4 बजे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर पहलका टीजर, संघर्ष के पहलका टीजर डाल दिया जाए। आप सबको बता दी कि फिल्म के 4 गो टीजर बैक टू बैक के अनुसार जेकर पहलका टीजर शाम 4 बजे 12 जून के डाल जाए वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर। आप सबको बता दी कि फिल्म में संघर्ष फिल्म में आप सबके काजल अंगवानी, रितु सिंह और खेसारी लाल यादव की जोड़ी देखने मिली जो कि मेहंदी लगा के रखना में आप सबके देख रहे हैं। आप सबको बता दी कि फिल्म भरपूर एक्शन और ड्रामा से भरल भी जोना में फिल्म के बेटी के महत्व के समझावल जाए कि घर में बेटी के महत्व का होला और साथ ही साथ ये फिल्म द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्लोगन बा ओकरा के और आगे बढ़ावे के काम कल जाए। आप सब बता दी कि फिल्म के शूटिंग झारखंड के कई गो बढ़िया बढ़िया जगह पर भइल बा। आप सब बता दी कि फिल्म के जोन गीतकार बारे ऊ बारे प्यारे लाल यादव जी, आजाद सिंह जी और पवन पांडे जी। आप सबको बता दी कि फिल्म के निर्माता बारे रत्नाकर कुमार जी और निर्देशक बारे पराग पाटिल जी और लेखक बारे राकेश त्रिपाठी जी। और आप सबको बता दी कि फिल्म में संगीतकार बारे धनंजय मिश्रा और मधुकर आनंद जी। बहुत ही बढ़िया फिल्म संघर्ष का जो कि एगो फैमिली ड्रामा और भरपूर एक्शन से भरल भी जोना में आप सबके एक बार फिर से खेसारी लाल यादव, काजल अंगवानी और रितु सिंह की जोड़ी देखे के मिली। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म लोहा पलवान के वीडियो संग जोन गाना के नाम बा रतिया में रानी तोहार, जेकरा के आज से 3 सप्ताह पहले वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल पर डाल गिरे ओ गाना के आज 2 मिलियन से ज्यादा व्यू क्रॉस हो गिल बा। जी हाँ भैया, 13,000 से ज्यादा लोग ओ गाना के लाइक किले बा और 1,500 के करीब लोग ओ गाना के डिसलाइक किले बा। जी हाँ भैया, आप सब बता दी कि लोहा पलवान की पहलका वीडियो सॉन्ग और जेकरा के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर डाल दिया गिल बा। एगो पारंपरिक गीत के तौर पर गाना के फरमावल गिल बा, बहुत ही बढ़िया गाना लाग रहा बा। भोजपुरिया दर्शक कॉमेंट में बहुत ज्यादा जम के तारीफ भी एक गाना के केले बारे। आप सब बता दी कि सुपरस्टार पवन सिंह के लोक फिल्म लोहा पलवान बहुत ही जल्द आप सब के नजदीकी सिनेमा घर में लागे वाली भी है। जी हाँ, जेकर ट्रेलर के बहुत ज्यादा लोग पसंद के लिए जोरा में सुपरस्टार पवन सिंह के जबरदस्त एक्शन के साथे साथे आप सब के पलवानी भी देखे के मिली। आप सब बता दी कि फिल्म में सुपरस्टार पवन सिंह जी एगो पुलिस वाला के रोल में बाड़े। आप सब बता दी कि फिल्म में सुपरस्टार पवन सिंह जी एगो नया हीरोइन के साथ एंट्री करल बाड़े जेकर नाम बा प्यास पंडित, जेकर वीडियो सॉन्ग के बहुत ज्यादा लोग पसंद करल बा। आप बहुत जल्द आप सबके नजदीकी सिनेमा घर में लोहा पलवान रागे जा रहा भी। सूत्रों के माने तो लोहा पलवान के रिलीज डेट बहुत जल्द सामने आवे वाला बा। तो आप
इसके बाद आप सब लोगों के सामने फुल टीजर आएगा, या तो फुल टीजर 12 तारीख को आएगा या फुल टीजर 15 तारीख को आएगा, ये भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। जैसे कि भैया लोग आप खुद देखने की फिल्म दबंग सरकार के डायरेक्टर योगेश राज मिश्रा जी खुद बताइए कि फिल्म दबंग सरकार के फुल टीजर या तो 12 तारीख के या 15 तारीख के यश फिल्म्स पर डाल जाइए। आप सबको बता दी कि दबंग सरकार के चार गो लुक यश फिल्म्स पर डाल दिया गिल बा। आप सबको बता दी कि भोजपुरिया दर्शक द्वारा चारों लुक के जम के तारीफ हो रहा। जी हाँ भैया, लास्ट लुक के आप सब फोटो देख रहे बानी की जो नाम है खेसारी लाल यादव मर गिल बड़े, उनका फोटो पर माला चढ़ावल जा रहा बा। कुछ ऐसे लुक बा, हर एक लुक में एगो सस्पेंस दिया गिल बा। बहुत ही बढ़िया फिल्म की स्टोरी भी है। आप सबको बता दी कि योगेश राज मिश्रा जी फिल्म के बनावे के समय ना सोचले कि फिल्म में हमारा कितना बजट लाग रहा है, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के विकास कैसे हो, भोजपुरी भाषा के भोजपुरी इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड कैसे बढ़े, एकरा बारे में सोचले बड़े। इतना बढ़िया फिल्म बनेले बड़े, यदि आप इस फिल्म के एक बार देख लें तो आपके बार बार फिल्म के देखे के मन के मिला जुला के बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाने बाद चौना में आप सबके भरपूर एक्शन रोमांस और कॉमेडी देखने मिली। बहुत जल्द फिल्म के रिलीज डेट भी सामने आवे वाला बा। आप सबको बता दी कि खेसारी लाल यादव के अभी तक के लाइफ के सबसे महंगा फिल्म मानल जा रहा चौना में आप सबके जबरदस्त एक्शन रोमांस और कॉमेडी देखने मिली मिला जुला के इतना बढ़िया फिल्म जो की भोजपुरी भाषा और भोजपुरी इंडस्ट्री और खेसारी लाल यादव के पॉपुलरिटी में चार चांद लगा दी। तो खातिर सबसे बढ़िया रिपोर्ट आ रहा बा। जी हाँ भैया, रिपोर्ट यही बा कि बहुत जल्द आप सबके बोलबम एल्बम देखे के मिली सुपरस्टार पवन सिंह जी के। गाना के रिकॉर्डिंग कब हुई, ई गाना कब आई, ई नहीं बता सकत, लेकिन अपना बता सकत नहीं कि जो बोलबम एल्बम के पोस्टर होला बहुत जल्द जारी करे जा रहा बा लोग पवन सिंह के पूरे टीम की आखिरी एल्बम के नाम का रही आ कब आप सबके बीच में बैक टू बैक एल्बम के गाना आई। जी हाँ भैया, अभी यही रिपोर्ट मिल बा कि बहुत जल्द एल्बम के पोस्टर आप सबके बीच में आवे जा रहा। आप सबको बता दी कि सुपरस्टार पवन सिंह जी अपन बोलबम खातिर बहुत ही जोरों शोर से तैयारी में लग गिल बड़े। एल्बम के जोरों शोर पर तैयारी चल रहा बा और एल्बम के गाना लिखल जा रहा बा और म्यूजिक के तैयारी कर जा रहा बा। आप सब बता दी कि सुपरस्टार पवन सिंह जी कोनो भी एल्बम निकाले ले उसमें नया म्यूजिक जरूर ही देवे ले, इनकर एगो खासियत है, यही इनकर एगो पहचान है। जी हाँ भैया, तो बहुत जल्द आप सबके बीच में सुपरस्टार पवन सिंह जी के मधुर आवाज में बोलबम सॉन्ग सुनने के मिली। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं खेसारी लाल यादव आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और ये एक मेरा पोस्टर लगा है देवरिया में जो कि बता जा रहा है कि 14 जून को मेरा शो है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो बेमतलब का वो पोस्टर लगाया है, फर्जी आदमी है। तो आप लोग प्लीज़ आप वहाँ नहीं जाएं, क्योंकि मेरे से कोई बात नहीं हुई है और ना ही मेरा कोई शो है। तो ये बेमतलब कि अपने खुद को हाईलाइट होने के लिए जो भी आदमी है वो अपना बैनर लगाया हुआ है, तो ये सब फर्जी है। तो प्लीज़ जहाँ भी मेरा शो होगा मैं खुद आपको वीडियो दूंगा कि मेरा शो है। जहाँ वीडियो नहीं देता हूँ समझिए कि मेरा कोई शो नहीं है, वो बेमतलब के लोग हैं, वो फालतू में पब्लिसिटी पाने के लिए सब कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग इस सब का ध्यान रखिएगा। नमस्कार। पूरी इंडस्ट्री के चाहते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल नगवानी के जोड़ी वाली फिल्म चुन फिल्म के नाम बाद दुल्हिन गंगा पार के, जकरा के 25 मई के दिन बिहार झारखंड और नेपाल में एक साथ रिलीज के गिरे। जो ना फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ उनकर बेटी कृति यादव भी बारी। आप सबको बता दी कि बहुत ही बढ़िया ओपनिंग मिलर है 25 मई के फिल्म के। जी हाँ, बहुत जबरदस्त ओपनिंग मिलर है, बहुत बढ़िया भोजपुरिया दर्शक द्वारा फिल्म की रिस्पॉन्स मिलर है कि खेसारी लाल यादव लाइव आपके सबके धन्यवाद के लिए 25 मई के दिन। लेकिन आप सब बता दी कि भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एगो नया रिकॉर्ड बनावे जा रहा है। काहे कि आप सब बता दी कि दुल्हन गंगा पार फिल्म जो कि तीसरा सप्ताह में प्रवेश कर गई भी आ, अभी भी भोजपुरिया दर्शकन के दिलों पर राज कर रहा भी आ। बिहार झारखंड के पब्लिक अभी भी फिल्म के पसंद कर रहा बड़े। बहुत ही बढ़िया पारिवारिक फिल्म भी आ, जेकरा के भोजपुरिया दर्शक अभी भी जाके सिनेमा हॉल में देख रहा बड़े, जेकरा चलते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भोजपुरिया दर्शकन के दिल से धन्यवाद के लिए बड़े। और साथ ही साथ लिखले बड़े कि आप सब हमारा फिल्म के इतना ज्यादा प्यार दुलार देनी, एकरा खाती दिल से थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो आप पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म वांटेड जो कि बॉक्स ऑफिस के सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर देने भैया। जी हाँ भैया, 11 मई के प्रदर्शित भइल फिल्म वांटेड जो कि बिहार और झारखंड के कई गो सिनेमाघर में एक साथ रिलीज भइले, वो फिल्म आज पांचवा सप्ताह में प्रवेश कर गई भैया और अभी भी भोजपुरिया दर्शकन के दिल पर राज कर रहा भैया। आप सब बता दी कि पवन सिंह के पहल के दिन से ही ये फिल्म के बहुत ज्यादा चर्चा रहे और पहल के दिन ही बॉक्स ऑफिस पे एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दे रहे सुपर स्टार पवन सिंह के फिल्म। भोजपुरी के कई गो फिल्म जो कि फ्लॉप और फ्लॉप साबित होते रहे, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म वांटेड जो कि संजीवनी के काम कैलस और रिकॉर्ड पहले दिन रिलीज होते ही एगो नया रिस्पॉन्स दिलस, एगो नया रिकॉर्ड स्थापित
साबित के लोग के लागल की भोजपुरी दर्शक वापस आ गए। एक नतीजा ये देखे के मिल रहा कि वांटेड पांचवा सप्ताह में प्रवेश कर गल बिया और बिहार झारखंड के लोग या कहीं तो भोजपुरी दर्शक ये फिल्म के अभी भी प्यार दिलार और अपन आशीर्वाद दे रहा बड़े और यही तरह वांटेड एगो नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहा बिया भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर। आप सुपरस्टार पवन सिंह के फिल्म राजा के शूटिंग आजकल रांची में बड़ा ही जोरों शोर पर चल रहा बा। रांची के बढ़िया बढ़िया लोकेशन पर फिल्म के शूटिंग चल रहा बा, जहां पे सुपरस्टार पवन सिंह जी अपन पूरे फैमिली के साथे भी इंजॉय कर रहा बड़े। जैसे कि आप सब फोटो देख ही रहा बानी कि सुपरस्टार पवन सिंह जी की फैमिली जो कि रांची पहुंचल बा, सुपरस्टार पवन सिंह जी अपन फैमिली के साथे भी खूब इंजॉय कर रहा बड़े। पिछले दिन सुपरस्टार पवन सिंह जी येदुरप्पा मंदिर पहुंचल रहन, जहां पे सुपरस्टार पवन सिंह जी के सुरक्षा दिल गई रहे। तब एगो न्यूज वायरल हुई रहे कि सुपरस्टार पवन सिंह के जान के खतरा पाई से सुरक्षा दिल गई रहे, बल्कि उ पवन सिंह जी जब माता रानी के दर्शन करे गई रहन तब की सुरक्षा दिल गई रहे। और साथ ही साथ फोटो आप सब देख रहे बने कि कैसे सुपरस्टार पवन सिंह जी उनकर पत्नी एगो छोट बच्चा के बहुत ज्यादा प्यार दुलार और आशीर्वाद दे रहा बने। और साथ ही साथ फोटो देख रहे बने कि वही बच्चा के साथ सुपरस्टार पवन सिंह जी फिल्म भी शूटिंग कर रहे थे। जी हाँ, राजा फिल्म में कोनो ऐसा सीन बा जहां पे सुपरस्टार पवन सिंह जी छोट बच्चा के साथ भी शूटिंग के लिए बड़े, वही बच्चा के साथ सुपरस्टार पवन सिंह उनकर धर्मपत्नी ज्योति सिंह सब कोई बहुत ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहा। आप सब बता दी कि कोनो फिल्म के सेट होके चाहे आम जिंदगी के हो, सुपरस्टार पवन सिंह जी छोट बच्चन से बहुत ज्यादा प्यार करे रहे। जैसे कि आप सब फोटो देख ले कम उनकर भतीजा भतीजी के साथ भगना भगनी के साथ बहुत ज्यादा फोटो वायरल होला, या कोनो भी छोट बच्चा के साथ जब भी सुपरस्टार पवन सिंह जी मिले ले बहुत ज्यादा प्यार दुलार अपन आशीर्वाद देवे छोट बच्चन के। तो आप तब ये आज के ताजा खबर के रिपोर्ट आप सबके कैसा लागल कमेंट करके बताई, और साथ साथ में आपन राय और आपन कुछ सुझाव भी दे सकता नहीं। और भैया एक खबर के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, वीडियो के लाइक करी, आप भोजपुरी के हर खबर जाने खातिर आपन भाषा वाला चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब करी। मिलता नहीं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।